एडीजी रेलवे लखनऊ पीयूष आनंद के द्वारा बुधवार को जीआरपी अनुभाग गोरखपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एडीजी पीयूष आनंद ने सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक रेलवे कार्यालय का निरीक्षण किया। उसके पश्चात जीआरपी पुलिस लाइन पहुंचे, एडीजी रेलवे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तत्पश्चात एडीजी रेलवे ने जीआरपी के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ गोष्ठी किया। इस गोष्ठी में पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ व पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर पुष्पांजलि देवी तथा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे रत्ना मिश्रा मौजूद रहे। गोष्ठी में एडीजी रेलवे पीयूष ने कहा कि वर्तमान शक्ति मिशन अभियान में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष सतर्कता बरती जाए तथा महिला सशक्तिकरण व उनके अधिकार सुरक्षा व सतर्कता तथा उनके द्वारा सहयोग प्राप्त करने एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए। एडीजी रेलवे ने पुलिस लाइन के कार्यवाही रजिस्टर, शस्त्रागार सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने कहा, मैंने अभी पिछले महीने एडीजी रेलवेज़ कार्यभार ग्रहण किया है, तो उसी के बाद जो अलग अलग अनुभाग जाके वहाँ पे वहाँ पुलिस लाइन वहाँ के ऑफिस का एक बार आंकलन करने के लिए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, और प्लस वहाँ पे जो हमारे एसएचओज हैं जो थानाध्यक्ष हैं उनके साथ एक मीटिंग करके उनको जो प्राथमिकताएँ हैं वो उनसे बात करने के लिए ये आज मैं गोरखपुर आया था। और आज जो है इसी दौरान मैंने सारे एसएचओ से बात की, वहाँ पे कुछ जो हमारे कर्मचारी थे उनका सम्मेलन लिया, पुलिस लाइन का एक राउंड लिया, तो उसमें उनको जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो बताई गई। और ख़ासकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी महिला शक्ति मिशन जो लॉन्च किया है उसके लिए उनको और संवेदनशील किया। ऑलरेडी उस पर कार्रवाई हम लोगों ने सब जगह की है,
और ये बताया कि आगे भी हमें उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और कोई भी अगर महिला यात्री, कोई भी महिला कंटेनेंट हमारे पास आती है, चाहे वो थाने में आए, चाहे वो ऑन ड्यूटी पुलिस पर्सनल के पास आए, तो उसको हमें बड़े संवेदनशील तरीके से उसकी बात सुनने की आवश्यकता है, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ट्रेनों में महिला यात्री यात्रा कर रही हैं, स्टेशन से भी इस समय ट्रेनों की संख्या कम हो गई है, लोकल ट्रेनें नहीं चल रही, इस दौरान जो जी आर पी का क्या है? देखिए, जो इस पीरियड को हम लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है, जो हम लोगों का पेपर वर्क जो कभी कभी काम ज़्यादा होने के कारण नहीं पूरा हो पाता है, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। जो पुरानी विवेचनाएं पेंडिंग थी उनको कंप्लीट किया है। जो हम लोगों के एक्यूज़ पहले से वांटेड चल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो मैं आपको बड़ा मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि इस पूरे दौरान में जीआरपी ने बड़ा अच्छा काम किया है, और बहुत जिसके कि सब लेवल पर सराहना भी हुई है। देखिए, ये चीज़ पहले भी सब लोगों को बात की गई थी कि भी ये बात हम लोग 15 दिन पहले की कर रहे हैं कि जब ये सारे त्यौहार थे कि भाई ये त्यौहार आ रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा का हो, चाहे वो दिवाली हो और छठ हो, ये पूरा त्यौहारों का एक सीज़न है। तो उस संबंध में सभी लोगों को बताया गया है कि भी क्या क्या करना है। कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन पे अवेलेबल रहें एस्कॉर्ट ड्यूटी के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहें, ताकि जो भी यात्री एक खुशी के माहौल में अपने घर जा रहे हैं, घर से वापस आ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। तो यही प्रयास हम लोग अभी आगे आने वाले समय भी जारी रखेंगे, क्योंकि छठ तो अब बिल्कुल जैसे कहा जाए सिर पे आ रखा है। पुलिसकर्मी निश्चित रूप से हमारे पास पिछले साल के मुनसिपत ज़्यादा हैं, और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको और बढ़ा सकें, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी ओवरऑल जो पुलिस फोर्स में थोड़े परसेंटेज पे ही हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर थाने में कम से कम 2 तो उपलब्ध हो ही जाएं, तो वो प्रयास हमारा अभी भी जारी है। बिल्कुल, वो जो निर्देश दिए गए थे स्ट्रीट खोलने का, गैंगस्टर की कार्रवाई करने का, वो पूरे हुए हैं। अभी अगर आप डेटा मुझसे पूछेंगे तो ऑफ एंड पर डेटा नहीं है, पर निश्चित रूप से ये प्राथमिकता हमारी है कि जो भी आदमी अपराध में लिप्त है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे स्ट्रीट खोलनी हो, चाहे गैंग रजिस्टर करके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करनी हो, या कोई भी कार्रवाई करनी हो।